वेलकम टू माय चैनल। और आज हम न्यूमेरिकल सोल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से, तो मतलब इसका कोफिशियंट है प्लस वन और यही चाहिए हमें। सही बात है। अब इसके बाद यहाँ पर वाई इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना ना जरूरी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात हो जब भी, ठीक है, यहाँ पर सिक्स रेशियो जो होते हैं, जैसे यहाँ पर है सीकेंट है टेंजेंट है। सबसे पहले सीकेंट स्क्वेयर एक्स लिखा है, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे सीकेंट स्क्वेयर एक्स को। अब जैसे पहली बात तो, अब जैसे सीकेंट का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक ऑपरेटर है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए कह दें कि प्लस का साइन, इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। ठीक है, सेम बात यहाँ पर, ऑपरेटर है और इसके साथ जब तक तो कोई फंक्शन ना हो तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता, और फंक्शन को हम एंगल कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स है तो ये सिर्फ इस ऑपरेटर का स्क्वेयर है, एंगल का स्क्वेयर नहीं है। इस तरीके से सीकेंट एक्स और इस सारे का स्क्वेयर एक ही बात है। ठीक है, और ये नहीं कि जैसे हम कहते हैं कि ए इंटू बी है और दोनों का स्क्वेयर करना हो तो दोनों का स्क्वेयर इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं अप्लाई होगी कि कभी ये लिख दो कि सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ एंगल है। ठीक है, ये बात हमें पहले ही पता होनी जरूरी है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी टाइप है, डी वाई बाई डी एक्स है। सबसे पहली तो यही ट्राई रहेगी। ठीक है, अगर जो लिखा हो तो प्लस का पी वाई और क्यू, मतलब वाई का मल्टीपल, ये नहीं है कि यहाँ पर वाई पहले और एक्स है। ठीक है, ये इस टाइप का नहीं है कि डी एक्स बाई डी वाई और प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू, जैसे यहाँ पर पढ़ लें कि एक्स की पावर वन है, ये एंगल है इस वजह से। ठीक है, अब वाई पहले लिखा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए यहाँ पर ये समझ में आना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, अब वाई इंटू में तो यहाँ पर बाद में लिखा है पी, कोई बात नहीं, पी किसके बराबर हुआ वाई से अलग, वाई की वन पावर से अलग, ये भी काम की बात है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स हुआ। ठीक है, और क्यों, क्यों सीधी सी बात है जिसमें वाई कहीं पर भी ना हो, इस तरीके से। ठीक है, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, किसके बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई की पावर होगी पी सीकेंट स्क्वेयर एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए हमें। ठीक है, किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स का। अब जैसे इसके लिए डिफरेंशिएशन के साथ में फॉर्मूले याद हूँ, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स, जरूर होता है लेकिन साथ में एंगल का भी होता है, मल्टीप्लाई में वन है। ठीक है, तो अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स सीधी सी बात है इंटीग्रेशन इसका उल्टा होगा डिफरेंशिएशन का, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स का मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट एक्स होगा, तो ई की पावर में टेंजेंट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन, इस तरीके से। ठीक है, ये तो इसकी बात, लेकिन साथ में एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड इसीलिए तो करते हम क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई की थी, सेम बात यहाँ पर है। ठीक है, एक्स का कोफिशियंट मतलब एंगल सिर्फ वन है, ये नहीं है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर इस तरीके से जो भी। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है तो देयरफॉर सॉल्यूशन किस तरीके से, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सीधी सी बात है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट तो सिर्फ यहीं तक है कि सॉल्यूशन इज गिवन बाय किसके बराबर, वाई है तो ऊपर वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, इस तरीके से किसके बराबर हुआ। अब राइट हैंड साइड में क्यू, क्यू तो ये था टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स, इस तरीके से, और इंटू में यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी आता है, तो ई की पावर टेंजेंट एक्स। ठीक है, और प्लस सी, लेकिन इंटीग्रेशन तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, इंटू में डी एक्स, जैसे ये अलग है, और प्लस सी आएगा, इस तरीके से। अब इसका इंटीग्रेशन सीधी सी बात है। ठीक है, अब सीधी सी बात, हमने एक बात का पढ़ी थी कि सबसे पहली बात कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज होगा, सही बात है, लेकिन वो लीनियर पावर तक थी। अब लीनियर पावर का मतलब एक्स की पावर वन, यहाँ पर भी वन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री साथ में है। ठीक है, तो सीधी सी बात है ई की पावर को ही पुट कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब इसका सॉल्यूशन जो भी तरीका सही लगे, सीधी सी बात है। ठीक है, या फिर हो सकता हम आई लेट के हिसाब से इसको सोल्व करना चाहती हूँ, मतलब जो भी फंक्शन पहले आए उसको यू मानना, सीधी सी बात है, और ये बाई पार्ट्स के लिए ट्रिक है सिर्फ। ठीक है, मतलब जब मल्टीप्लाई में हो दो फंक्शन, अब तीन फंक्शन है, दो फंक्शन इस तरीके से मान लो, एक ये है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री, इस वजह से माने हमने, और ये एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, तो इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, इसको यू, इसको वी, इस तरीके से,
ई की पावर टेंजेंट एक्स को, जो भी तरीका सही लगे, या फिर अब ई एक्सपोनेंशियल की पावर के लिए रूल था हमारे पास क्या, कि लीनियर से अलग हो हमेशा पुट करते हैं, पुट कर दो टेंजेंट एक्स को टी के बराबर पुट कर दो, पुट का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही बात है। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद डायरेक्ट ये कंडीशन अपने आप आ जाती है कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जिसमें पुट किया है, मतलब एक्स में, ठीक है। अब टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन किसके बराबर था, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है। और टी का, टी एक नया फंक्शन है, ये नहीं कि एक्स नहीं है तो जीरो, ठीक है, तो टी एक नया फंक्शन है, तो डी टी और डिवाइड में डी एक्स होगा, और डी डिवाइड वाला डी एक्स यहाँ से कट के यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास वाई इंटू ई की पावर टेंजेंट एक्स, ठीक है, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थोड़ी ना सोल्व किया अब तक, तो सिर्फ पुट किया है टेंजेंट एक्स को टी पुट किया था, और सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स वो था यहाँ पर किसके बराबर, डी टी के बराबर, और ई की पावर टेंजेंट एक्स टी, इस तरीके से आए ये फंक्शन। अब दो फंक्शन बचे, ठीक है, दो फंक्शन बचे हैं, और साथ में प्लस सी था, सिर्फ इसको, इसके लिए इंटीग्रेशन अप्लाई किया हमने टी इंटू ई की पावर टी, जो भी तरीका सही लगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन के लिए आसानी से पढ़ना है, सीधी सी बात है, मतलब इसके रूल किस तरीके से पुट करते हैं, इसके लिए इंटीग्रेशन आना जरूरी है, और आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से, अब ये दो फंक्शन है टी और ई टी, अब यहाँ पर आई लेट से सोल्व होगा, क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, और ये जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ये बताएगा हमें, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन मेथड की भी कुछ कंडीशन थी, दो कंडीशन थी, कौन कौन सी सब्सटीट्यूशन मेथड की, कि पुट करने के बाद पहली कंडीशन तो ये होगी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू होगा, जिसके रिस्पेक्ट में पुट किया, सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर हमने पुट किया था टेंजेंट एक्स को टी के बराबर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और इसके बाद सेकंड पॉइंट, सब्सटीट्यूशन मेथड में किस तरीके से होता है कि जो नया फंक्शन आए, जो भी नया फंक्शन आए, ठीक है, उसमें कहीं पर भी एक्स वाली टर्म ना हो, एक्स नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर एक्स कहीं पर भी नहीं है, अगर एक्स होता तो बाई चांस जैसे यहाँ पर एक्स की टर्म आ जाती, फिर किस तरीके से एक्स को हटाना पड़ता हमने, और एक्स हटाने का मतलब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो किसके बराबर होगी, यहाँ पर टेंजेंट टी है वहाँ पर टेंजेंट इनवर्स टी, और ये भी सीखा था हमने किस तरीके से होता है, दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किए, प्री का मतलब पहले, ठीक है, जैसे प्रीपेड होता है इस तरीके से, और वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है इस तरीके से, पहले हम ये बातें सीख चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से। टी इंटू ई की पावर टी यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, फायदे की बात है, आईलेट, तो अब टी का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये पहले आता है, इसको यू मान लेना, इसको वी, ठीक है, क्यों मानते हैं यू और वी इस ट्रिक से, क्योंकि हमें पहले ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो सबसे आसान इंटीग्रेशन होता है, इस वजह से सबसे लास्ट में। अब यू इंटू वी किस तरीके से अप्लाई होगा, अब इसको यू इसको वी मानना है, ठीक है, तो यू एज इट इज होता है पाव यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके जैसे वो जो भी फंक्शन हो जिसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, किसके बराबर होता है, यू एज इट इज वी का इंटीग्रेशन होगा माइनस का साइन, ये फॉर्मूला था हमारे पास। इंटीग्रेशन फिर से करना है, पहले का डिफरेंशिएशन होगा, इंटू में इंटीग्रेशन होता है वी का, और इस सारे का जो भी रिजल्ट आए इसका फिर से डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर यू एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन, ई की पावर तो एज इट इज क्योंकि लीनियर है इस वजह से, ठीक है, ई की पावर टी, और नीचे टी का कोफिशियंट भी है यहाँ पर एक्चुअल में, ठीक है। अब माइनस का साइन आएगा, इंटीग्रेशन पहले का डिफरेंशिएशन यू का, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी वन होता है, इंटू में जो भी ये वैल्यू आई है, सीधी सी बात है, यही तो रिपीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ई की पावर टी, और फिर डी टी, इंटीग्रेशन तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, और साथ में चल रहा है प्लस का सी। अब टी इंटू ई की पावर टी माइनस का साइन, अब ई की वन इंटू वन तो कॉन्स्टेंट है बार, और ई की पावर टी का, ई की पावर टी एज इट इज, और साथ में नीचे वन भी है, प्लस का सी, ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ी ना, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स और वाई में था, तो इसको फिर से वैल्यू पुट करो जहाँ से हमने ये जहाँ से पुट किया था वहाँ से वैल्यू निकाल लो, टी टी की वैल्यू थी टेंजेंट एक्स, तो यहाँ पर टेंजेंट एक्स,
ई की पावर टेंजेंट एक्स माइनस ई की पावर टेंजेंट एक्स प्लस का सी, और ये है वाई इंटू में ई की पावर टेंजेंट एक्स, और हम सिर्फ वाई को सोल्व करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वाई लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ये भी सही है, या फिर वाई निकाल लो यहाँ से, वाई किसके बराबर होगा, ई की पावर टेंजेंट एक्स है यहाँ पर भी है, कैंसिल होगा, सिर्फ टेंजेंट एक्स बचा, माइनस का साइन, ई की पावर टेंजेंट एक्स यहाँ पर नीचे आएगी तो वन बचेगा, प्लस सी की सी के नीचे आएगा, या फिर ऊपर इस तरीके से लिख लो, जो भी तरीका सही लगे इस तरीके से, ठीक है। और एक और काम की बात है, यहाँ पर एक्स का फंक्शन चल रहा है, ये नहीं है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट का मतलब एक्स कहीं पर भी ना हो, या फिर एक्स और वाई ही ना हो, क्योंकि हमने एक्स और वाई वेरिएबल होंगे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में, सीधी सी बात, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।